अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज के कारण कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो दिमाग की बत्ती जला लो, क्योंकि ये चार कहानी सुनने के बाद तुम सारे बहाने को साइड में रखकर कामयाबी पाने की कोशिश शुरू कर दोगे। और ये वादा रहा तो चार कहानी खत्म होने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वाकई में प्रॉब्लम है या फिर बहाने हैं जो तुम्हें कामयाबी तक पहुंचने नहीं दे रहे। कहानी नंबर वन, सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए अपने फैमिली से 4 सालों तक दूर रहा। 5 सालों तक उसने उस मूवी के अलावा कोई मूवी साइन नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट का ऑफर आए पर उसने एक भी एडवर्टाइजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली ये मूवी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन के सुपरस्टार प्रभास की। कहानी नंबर दो, किसी बंदे को बेकार पर्सनालिटी और फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के कारण उसे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और उसने जिद पकड़ी कि मुझे ऐसा एक्टर बनना है जिसके बराबरी करने से पहले लोग एक बार नहीं 1000 बार सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की। उनकी पहली मूवी बैंड बाजा बारात आने से पहले उन्हें लगभग सभी ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी इस बंदे ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार ये वो एक्टर बन गया जिसके बारे में लोग सोचने से पहले 1000 बार सोचते हैं। कहानी नंबर थ्री, एक बंदा था जिसे बचपन से गाना गाने का शौक था, इसलिए वह बचपन से लिखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कोई भी पब्लिशिंग हाउस वाले उसके गाने को रिलीजिंग करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक गाना स्पीड पोस्ट के साथ गाकर पब्लिश किया लेकिन उनसे उनकी सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक बात उन पर एकदम सटीक बैठती है कि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे गिरकर कोई भी गोताखोर नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे महंगे सिंगर और दुनिया के सफल सिंगर गुरु रंधावा की, जिसके बारे में जानने के बाद कई लोग सपने ही देखते। कहानी नंबर चार, शायद ऐसा कोई बंदा होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा, जिसे लोग आज किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। एक टाइम था जब इस बंदे के पास रहने के लिए रेंट के पैसे नहीं थे, जिसके कारण इस बंदे को रोड से बाहर फेंक दिया गया था और इसी पागलपन में और आग लगाने के लिए ये वो मुकाम हासिल कर लेता है जिसके आज कई लोग सपने ही देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की, जिसका आज कुल नेटवर्थ 5000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इन चार कहानी में से कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।